हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। ठीक, सिंपल है, समझना बस थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन दिया गया है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग ससीएम मैग्नीफिकेशन, यानी कि हमें मेथड यहाँ पे कौन सा लगाना है, ससीएम मैग्नीफिकेशन। अभी तक हम लोगों ने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था और किसे रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था, मतलब इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अच्छा, और डेसिमल वाले नंबर भी हम रिप्रेजेंट करना आज हम सीखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आएगा समझ में। तो सिंपल सी बात, इतनी याद रखो कि कोई भी दो नंबर, जैसे कि मैंने बोला 0 से लेके 10, मैंने बोला 0 से लेके 10, इनके बीच में कितने गैप होते हैं, 9। कितने गैप होते हैं, 9 गैप होते हैं। यानी कोई से भी दो रैंडम नंबर के बीच में कितने गैप होंगे, 2 गैप होंगे। जैसे मैंने बोला 2 से 3, तो गैप कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक, मैंने बोला 8 से 10, तो कितने गैप होंगे, 9 होंगे। आ गई ना समझ में, यानी कोई से भी दो नंबर के बीच में कितने गैप होंगे हमेशा, सॉरी 8 से 9 को यहाँ पे कितने, 8 से 9, तो कितने गैप होंगे हमेशा, 9 गैप होंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ इतना। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारी क्या रही, नंबर लाइन। ठीक, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 3.765 रिप्रेजेंट करना है। ठीक, सबसे पहले देखो जो फर्स्ट नंबर होता है ना, फर्स्ट नंबर उससे रिप्रेजेंट करो कहाँ पे है वो। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे किसे, 3 को। तो हमने कहा जो कि हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या होगी, 10। ठीक, तो देखना जरा ध्यान से, 0 और 10 के बीच में कितने गैप हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितने डिजिट्स आते हैं, 9 डिजिट्स आते हैं। गैप कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। हाँ, बात लग हुआ वही है पहले क्वेश्चन में। चलो तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सबसे पहले, 3 को, किसे, 3। तो 3 हमारा कहाँ पे हो गया, जी हो गया। अब इसके बाद दो कौन सा नंबर आ रहा है, इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 3.7। तो आप कैसे प्रिंट करेंगे, 7 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 3 के बाद 7 आ रहा ना, तो 3.7 कहाँ पे होगा, 3.7 हमारा कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बीच में होगा ना, 3 और 4 के बीच में होगा ना। तो इसे मैग्नीफाई करो, 3 और 4 को क्या करो इसे बेटा, मैग्नीफाई करो। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3, फिर क्या आता है, 3.1, 3.4, sorry 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4। आ गया सर में, इतना बात क्लियर हुई ना, इतनी बात क्लियर हुई। चलो हमें किससे रिप्रेजेंट करना था, 3.7 को, किससे रिप्रेजेंट करना है, 3.7 को। तो 3.7 देखो ये रहा यहाँ पे, कहाँ पे है, ये रहा, और 3 हमारा कहाँ पे था, ये था। आ गई बात सर में, तो देखो 3 भी हो गया, 7 भी हो गया, अब क्या कौन सा बचा है, 6 बचा है। तो 6 को रिप्रेजेंट करना है हमें, कैसे, 6 को रिप्रेजेंट करना है। तो 6 हमारा कहाँ पे आएगा, 3.76, कितना नंबर था हमारा, 3.76, 3 हमारा हो गया, 7 भी हो गया, 6 कहाँ पे आएगा, तो देखो जस्ट बाद ही में तो आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो आएगा ना। तो अब इसे क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा इसे, मैग्नीफाई करेंगे। आ गई बात समझ में, बात क्लियर हुई ना, बात क्लियर हुई। कैसे मैग्नीफाई करेंगे, अब 3.6 को मैग्नीफाई कर, सॉरी 3.7 और 3.8 के बीच को नंबर्स को मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.7 हो गया, और 3.7 हो गया, तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक, इतने सफिशियंट नंबर हैं। हमें कैसे करना है, 3.76, तो कहाँ पे मिलेगा हमें, ये रहा हमारा यहाँ पे 3.7 मिल गया ना। चलो अब इसके बाद कौन बचा है, इसके बाद बचा है हमारा 5, कौन सा नंबर बचा है, 5 बचा है। तो देखो अब 3.76 को रिप्रेजेंट हो गया ना, अब कैसे करना है, साथ में 5 वो करना है, 3.76, 5। तो 5 हमें कहाँ पे मिलेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा। आगे सर में, तो हम लोग फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलो तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, अब 3.76 से होगी, कहाँ से होगी, 3.76 और 3.761। आ गई ना असल में,
और 3.76, 3.76, 3.764 और 3.765, 3.766, 3.77, 3.78, अरे क्या हो गया, 3.765 और 3.67 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 67, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा और 3.769 हो गया, ठीक। हमें किसे पिट करना था, 3.765, तो देखो कहाँ पे है जीरा, 3.765 हमारा कहाँ पे हो गया रिप्रेजेंट, यहाँ पे हो गया, कहाँ पे हो गया 3.765 रिप्रेजेंट। अगली बार समझ में बेटा, ऐसे हमें क्या करना था, ऐसे रिप्रेजेंट करना था। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखेंगे बेटा हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, दो ही क्वेश्चन थे इसमें ना, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बिजुर, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है विजुअलाइज 4.26, और 26 के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। बेटा कितने, 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी उसने बोला है जो 4.26 के ऊपर जो बार लगा हुआ है ना, इसे आप ब्रेक करेंगे ना, इसे आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको इतना खोलना पड़ेगा 4.26, 2 सेस, यानी कि 4 डेसिमल के बाद आपको शो करानी पड़ेगी किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक। चलो करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले आसमान में क्लियर हुआ, सबसे पहले बेटा किसे रिपेंट करेंगे हम लोग, 4 को, कैसे करेंगे बेटा 4 को रिपेंट करेंगे। 4 हमारा कहाँ पे है, 4 हमारा कहाँ पे बेटा, यहाँ पे है 4, कहाँ पे है जीरा, ठीक। अब इसका कैसे रिपेंट करना है हमें, 2 को, कैसे करना है, इस 2 को करेंगे, कैसे करेंगे 2 को करेंगे। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ना कैसे करेंगे, 4 और 5 को क्या करेंगे बेटा, मैग्नीफाई करेंगे। 4 और 5 के बीच के नंबर्स को क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। चलो करा देते हैं 4 और 5 के बीच के नंबर्स को मैग्नीफाई। तो 4 और 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। अगली बार सर में नंबर हमारा कौन सा था, नंबर हमारा क्या था, 4.2 था, तो 4.2 हमारा कहाँ पे रहा, जेरा नंबर, 4.2 हमारा कहाँ पे रहा, जेरा। अगली बार सर में अब दो 4.26, अब कैसे करना है बेटा, सिक्स को रिपेंट कराना है, कैसे कराना है, सिक्स को कराना है, तो हमें नंबर कहाँ मिलेगा 4.26, हमें नंबर कहाँ पे मिलेगा 4.2 और 4.3 के बीच में हमें नंबर मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा 4.2 और 4.3 के बीच में हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो चलो कराते हैं मैग्नीफाई, फिर से हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 4.2, फिर करेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अगली बार सुन में, हाँ या ना, हाँ या ना, नंबर हमारा क्या था 4.26, नंबर हमें किस पेंट करना था 4.26 को, तो 4.26 हमारा कहाँ पे रहा, जे रहा, कहाँ पे है, जे है 4.26। अगली बार सुन में अब दो, इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 4.26, फिर 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, फिर से तो जो नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा 4.26 और 4.27 के बीच में हमें नंबर मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा 4.26 और 4.27 के बीच में हमें नंबर मिलेगा। तो चलो बेटा इसे भी करा लेते हैं मैग्नीफाई, इसे भी बेटा करा लेते हैं, क्या मैग्नीफाई करा लेते हैं हम लोग, अरे ये चल नहीं रहा, चल इसे भी क्या करा लेते हैं हम मैग्नीफाई। तो 4.26, फिर 4.27, 4.26, 2, 4.26, 3, 4.26, 4, 4.26, 5, 4.26, 6, 4.27, 4.26, 8। अगली बार समझ में कैसे कराना था हमें, हमें यहाँ पे कैसे नंबर को शो कराना था 4.26 और 2 को कराना था, कैसे कराना था 4.26, 2 को, तो ये नंबर हमारा कहाँ पे है, जेरा हमारा नंबर, कहाँ पे है, जेरा नंबर हमारा। अब कैसे प्रिंट कराना है हमें, हमें कैसे प्रिंट कराना है अब 4.26 और 2 6 को, ठीक।
ठीक, इससे स्कोर रिपेंड कराना है। तो जो नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा, 4.262 और 4.263 के बीच हमें नंबर ये मिलेगा। ठीक, चलो बना लेते हैं नंबर लाइन, हम लोग लास्ट नंबर लाइन होगी जो हमारी। चलो ठीक, तो राइट करेंगे हम लोग यहाँ पे 4.262, फिर करेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, ठीक, 4.267, और लास्ट कौन सा, और हम लोग यहाँ पे क्या कैसे क्या, और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 4.268। कैसे रिपेंड कराना था बेटा, 4.26 को, तो जी कहाँ पे रहा, जेरा, 4.26 हमारा कहाँ पे रहा, जेरा, ये हमारा क्या हो रहेगा यहाँ पे, रिप्रेजेंट। अगली बार फिर में हाँ या ना, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर मिलेंगे 1.5 में, ठीक।